Hello everyone, have a look at this image. This is the microscopic structure of a lens. Just observe the markings, that is the anterior capsule, the anterior pole, the anterior lens epithelium, equator, posterior capsule and the posterior pole. Observe the equator part in which there is the active proliferation of the lens. Observe that there is anterior lens epithelium and there is no posterior lens epithelium or the posterior lens epithelial cells. So now we will discuss this image. Okay, the structure was somewhat like this. The anterior surface was more curved, the posterior surface was less curved. There were cells anteriorly, sorry for my poor drawing, and this is the anterior part, this was the posterior part, right? So the cells which are present at the equator, these elongate, these are the anterior epithelial cells which are present at the equator. So these proliferate and they form the secondary लेंस फाइबर्स. ठीक है, तो जो इन्फेंटाइल न्यूक्लियस होता है, शुरुआत में जो हमारा लेंस वेसाइकल होता है उसमें हमारे पोस्टीरियर एपिथेलियल सेल्स होते हैं. ये पोस्टीरियर एपिथेलियल सेल्स ये प्रोलिफरेट करते हैं कुछ इस तरीके से. इनका न्यूक्लियस पहले इनके एपेक्स पर होता है और जब ये एंटीरियर लेंस एपिथेलियम को टच करते हैं तो इनका न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है और इन फाइबर्स में फिर ये कैपेबिलिटी नहीं रहती है कि ये प्रोलिफरेट कर पाए. अब तो ये वाले जो फाइबर्स होते हैं वो बनाते हैं हमारे प्राइमरी लेंस फाइबर्स, वो हमारा पोस्टीरियर एपिथेलियम से बनते हैं प्राइमरी लेंस फाइबर्स. लेकिन जो हमारा न्यूक्लियस होता है इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, और जो लेंस होता है इट कीप्स ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट द लाइफ, और ये ग्रो होते हैं बाय द एंटीरियर एपिथेलियल सेल्स विच आर प्रेजेंट एट द इक्वेटर. ये वाले जो सेल्स होते हैं ये लाइफ लॉन्ग ग्रो करते रहते हैं और ये एक लेयर बनाते रहते हैं हमारे प्राइमरी न्यूक्लियस को या इन्फेंटाइल न्यूक्लियस पर एक लेयर बनाते रहते हैं. इस वजह से इसकी ये देते हैं एक लेमिनेटेड अपीयरेंस लेयर वाइज. इस वजह से हमारी एक लेमिनेटेड अपीयरेंस होती है हमारे लेंस की. और जब प्राइमरी लेंस फाइबर्स और जो सेकेंडरी लेंस फाइबर्स दे इंटरडिजिटेट करते हैं तो दे फॉर्म सूचर्स. सूचर जो एंटीरियर सूचर होता है दैट इज़ एन अपराइट वाई, और जो पोस्टीरियर सूचर होता है दैट इज़ एन उल्टा वाई. ओके, तो ये हमारा सूचर होता है, प्राइमरी लेंस सूचर होता है, सेकेंडरी लेंस सूचर होता है. उसके अलावा जो हमारा कैप्सूल होता है दिस इज जस्ट अ थिकनिंग ऑफ द बेसल लमाइना. कैप्सूल इज अ जस्ट अ थिकनिंग ऑफ द बेसल लमाइना. इट इज़ अ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर. इसमें सेल्स नहीं होते हैं, ये बस एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, थिकनिंग होती है बेसल लमाइना की. इट इज़ अ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर. ओके,